हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक गगरानी माहेश्वरी आपका मेरे और आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो आपके लिए कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है उससे आप बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा पा रहे हो, और नहीं भी उठा पा रहे हो तो आप कोशिश कीजिए, यू कैन डू, बिकॉज कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। ये एक शब्द हमने ज़रूर सुना होगा और वो करना भी चाहिए दोस्तों, बट ये भी बहुत सारी चीज़ें हैं कि भाई आप काम कैसे कर सकते हैं, इट्स डिपेंड ऑन यू। बहुत सारे लोग मुझे कहते हैं कि ये सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर दो, सपोर्ट कर सकते हैं, बट सपोर्ट करने के लिए हमारे पास भी टाइम होना चाहिए, क्योंकि जो हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं या फिर हैं तो पहले उनको भी सपोर्ट करना ज़रूरी होगा ना। ऐसा नहीं, आप जुड़िए और सपोर्ट भी लीजिए और मज़े करिए लाइफ में, क्योंकि ज़रूरी है हर दोनों हाथ से ताली बजाना, ठीक है। अब दूसरी बात यह है कि भाई जैसे कि आज हम जो दो स्टॉक और निफ्टी की बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, आप उसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिएगा कैसा होता है। दूसरी बात, स्वच्छता अभियान है, उसमें ज़रूर मेहरबानी करके अपने आसपास की जगह को स्वच्छ करने की कोशिश करें और अपने बच्चों में ये गुण डालें कि वो स्वच्छता बनाए रखें, तभी उनका और हमारे देश का उद्धार होगा, समझ गए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भाई अगर आप मेरे साथ ज़रूरदा में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप ओपन करा सकते हैं। ये मेरा आईडी है और आप मुझे अपना डिटेल दे दीजिएगा, मैं प्रोसेस कर दूंगा और हमारे जो बंदे हैं वो आपको कॉल करेंगे और अकाउंट ओपन हो जाएगा। देन जो सेम थिंग हम टेलीग्राम पर जो स्क्रीनशॉट देते हैं वैसे आपको बहुत सारे काम आने वाली चीज़ें आपको भी मिल पाएगी, तो उसके लिए आपको भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे कि अब हम निफ्टी का ट्रेंड की बात करें और बात हम करेंगे बाटा इंडिया और जेपी एसोसिएट्स की भी, तो जैसे कि हमने कल के दिन में जब दिन में एक वो वीडियो पोस्ट की थी, हमने क्लियर कट मेंशन किया था कि भाई ये निफ्टी यहाँ तो इतनी गिरावट के बाद ये नीचे जा सकता है और नीचे जाएगा तो ये लेवल ज़रूर आएंगे। तो आप शायद वो वीडियो वापस से सुन लीजिएगा जिसके अंदर ये लेवल तो आ गए, बट आज की जो क्लोजिंग हुई है दोस्तों, वो जो क्लोजिंग हुई है वो लो लेवल से वापस रिकवर करके हुई है, तो वॉल्यूम्स जो है वो लो वॉल्यूम्स है बट नेगेटिव वॉल्यूम्स है, नेगेटिव सेंटिमेंट्स तो है। तो अगर ये इसी तरह चलता रहा और नियर दो दिन में एक्सपायरी भी है, तो जैसे कि आप देख रहे हो कि अब क्या हो सकता है कि भाई अगर ये एक्सपायरी के सीज़न में आप एक्चुअली अभी क्या है कि आप इस सिचुएशन में ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि ये एक सेंटिमेंट को ख़राब करने वाली सिचुएशन है जिसे हम कंसोलिडेशन का फेज बोलते हैं। अब देखिए ना, यहाँ से ऊपर जाता है फिर वापस नीचे आता है, आप कैसे इसको ट्रेड कर पाएंगे? इवन उसी दिन में नीचे आ जाता है फिर ऊपर जाता है, देखिए आज नीचे गया वापस ऊपर गया, तो इसको जब तक ट्रेंड कैसे चलेगा वो चलाने के लिए इसको अभी या तो इसको यहाँ से नीचे की तरफ जाना पड़ेगा या फिर इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा, तब जाके नया जाए। वही आपको कह देगा निफ्टी 50,000 हो जाएगा, सॉरी बैंक निफ्टी 50,000 हो जाएगा, इतना इजी नहीं है भाई साहब 50,000 कहने से अगर मार्केट चल जाता तो फिर वैज्ञानिक प्रिडिक्शन वाले लोग जो बहुत खतरनाक होते वो खुद ही नहीं कमा लेते ऐसा होता, तो फिर उनको बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो चलिए अब जो बात करते हैं उसी तरीके से बैंक निफ्टी की, हमने ये कहा था कि भाई बैंक निफ्टी में जो वॉल्यूम्स है वो बैंक्स को गिरा रहे हैं, बट निफ्टी के जो वॉल्यूम्स है वो निफ्टी का जो ट्रेंड है वो स्टॉक को ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहा है, जो कि उसके जो अधिक मतलब उसमें जो स्टॉक भागीदार थे वो थे TCS या फिर हम कहें इन्फोसिस या फिर हम कहें लुपिन फार्मासेक की कंपनी, बट आज वो सारी कंपनियों ने भी बैंक निफ्टी का साथ दिया और वो सारे के सारे भी नीचे की, जैसे कि आप देखेंगे लुपिन 888 का लो मारा। अच्छा, दूसरा ये चीज़ है कि आपने अगर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लो दोस्तों, क्योंकि हमने थोड़े दिन पहले ब्लू डार्ट का एक कॉल पोस्ट किया था जस्ट फॉर पोजिशनल, और वो 3500 रुपये से आज का जो हाई था वो था 3284, यानी 300 रुपये इन ओनली 3 तारीख को हमने पोस्ट किया था, यानी 15 डेज ज़्यादा कंसिडर कर लीजिए। और साथ ही साथ जेपी एसोसिएट्स का भी आप एक बार देखिएगा, तब जाके आपको कुछ मज़ा आ पाएगा जीवन में, क्योंकि अगर आपको अगर फ्री का खाना भी नहीं आ रहा है तो फिर आपकी डाइजेशन की पावर ख़राब है, आपको डॉक्टर को दिखा देना चाहिए, सबसे अच्छी बात तो ये, ठीक है। तो चलिए अब हम ये बात कर सकते हैं कि भाई अभी तो आपको निफ्टी से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए जब तक कि ये लेवल आपको जो दिख रहे हैं या तो ये ऊपर ना ब्रेक कर दे या नीचे ना ब्रेक कर दे, क्योंकि ट्रेंड में ये इस तरीके से अगर चलता रहा तो फिर एक दिन प्लस एक दिन माइनस एक दिन प्लस कैसे होगा, समझ नहीं आएगा। तो हमें ये चाहिए कि या तो नीचे या फिर ये ऊपर, जब जाके कोई नया ट्रेंड और नया स्टॉप लॉस या नए टारगेट को हम सोच सकते हैं, और वो दो दिन में हो सकता है, चाहे वो अब थर्सडे के दिन हो जावे या फिर थोड़ा दिन पर होगा ज़रूर, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं
वही बेहतरीन स्टॉक जो कि है बाटा इंडिया। और बाटा इंडिया में आज ही देखिए कितना खतरनाक मूवमेंट आ गया, कितना ज्यादा वॉल्यूम से आप देख सकते हैं, 3.2 मिलियन, इसको बोलते हैं 33 लाख शेयर्स का वॉल्यूम्स हो गया। बट ये है कि अभी एक रेसिस्टेंस लेवल पर जाके फंस गया है कि नहीं फंस गया, इसका मैं एक आपको तोड़ बता देता हूँ कि भाई ये रेसिस्टेंस पे है कि नहीं। ये देखिए ये जो लेवल है, क्या ये इसके रेसिस्टेंस के लेवल है, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। और अगर ये इसका रेसिस्टेंस है तो फिर हम इसको वीकली चार्ट पर जाके देखते हैं कि वीकली चार्ट पर क्या बोल रहे। तो वीकली चार्ट पर ये बता रहा है कि भाई अगर ये तो इसने यहाँ पर एक रेसिस्टेंस जोन 100% है, बट अगर ये क्रॉस कर देगा देन इट विल दिस स्टॉक विल मूव 832, यानी 16 रुपीज का अपसाइड और है दोस्तों, अगर हम ऐसा माने तो। बट होगा तभी। दूसरी बात ये कि जो एक मूविंग एवरेज जो यहाँ मैंने सेट किया उस पर आप देखो कितना सुंदर ये स्टॉक काम कर रहा है। जब ये मूविंग एवरेज को क्रॉस करते हुए ऊपर चला तो आप देखो कि कहाँ तक का ट्रेंड है, मतलब ये मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेने आता है, देन ये घूम जाता है, देन ऊपर जाता है। तो आप समझो कि ये स्टॉक इस मूविंग एवरेज पे 8653 के आसपास आया, देन ये स्टॉक 816 तक वापस गया, देन ये यहाँ पर पहले भी इसी तरीके से मूविंग एवरेज के पास 530 तक आया और ये देखिए इस तरीके से ये स्टॉक ऊपर गया। मतलब लॉन्गर ट्रेंड में भी ये अभी भी मैं आपको सिंपल बता सकता हूँ कि भाई ये वापस अगर इस मूविंग एवरेज के आसपास आवे और अगर आपको यहाँ के लेवल मिले 728 के, तो आप 728 के लेवल पर वापस से एंट्री कर सकते हो उस स्टॉक में, ये वापस है। बट अगर ये ब्रेक करके नीचे की तरफ क्लोजिंग देगा जैसे यहाँ पर इस तरीके से दिया, तो देन ये वापस से नीचे जा सकता है, बट ऐसा होगा नहीं, तो आप देख सकते हैं। दूसरा, जब बात करेंगे हम जेपी एसोसिएट्स की, जेपी एसोसिएट्स हमने 3 तारीख के दिन टेलीग्राम में कॉल पोस्ट किया था, आप जरा उसे सर्च मारेगा, जब हमने क्लियर कट कहा था कि भाई ये 14 रुपये का लेवल तोड़े तो, या तो उसने 14 का तो तोड़ा नहीं, पर आज 14 का एक दिन तोड़ा, दूसरे दिन 14 के नीचे वापस आया, और वापस आने के बाद में आप देखोगे कि भाई ये स्टॉक आपको किस लेवल पे दिख रहा है। आप सिर्फ जैसे इसको वॉच कीजिए भाई, 14 रुपये का स्टॉक आपको आसानी से आज के दिन 15 रुपये 80 पैसे, यानी करीबन 8% का मूवमेंट तो अभी आपको 2 दिन में मिल गया। मतलब हमने पहले ही प्रिडिक्शन दिया था कि भाई ऐसा होगा और ऐसा हो पाया। ऐसे कितने शेयर्स हमने हमारे उस चैनल पे दिए हैं, जैसे जुबिलेंट फूड 2 बार हमने इसको 2700 रुपये के आसपास आपको पहुँचाते हुए दिखाया, ठीक है। साथ ही साथ हमने ब्लू डार्ट जो कि अभी लेटेस्ट है, जो कि आज ही हुआ। दूसरा, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जैसे कि आप जो देखेंगे, जैसे लुपिन 2 टाइम्स हमने 726 आपको 56 बोला था कि इसके नीचे नहीं जाएगा, नहीं गया, देन वो 800 और अभी तो वो 919, और थोड़ा दिन पहले भी मैंने कहा था कि भाई ये 938 तक जा सकता, बट एक महीना लगाएगा, बट ये 924 गया, तो ये 890 से 924 जाना भी बहुत बड़ी बात होती है, इतना इजी नहीं होता स्टॉक इतनी ऑलरेडी इतनी तेजी के बाद। तो अब जो ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों, आपका जो जेपी एसोसिएट्स है, जेपी एसोसिएट में आप किस तरीके से काम करते हो वो जरा हम समझ लेते हैं आपके लिए कि भाई आप किस तरीके से, अगर आपकी पूंजी है और आपने डाल रखी है तो क्या हो सकता है इसके अंदर। तो दोस्तों जेपी एसोसिएट्स में अब क्या कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, वो मैं आपको समझा सकता हूँ कि कैसे कर सकते हैं। दोस्तों जेपी एसोसिएट्स में अगर बात करें तो ये देखिए इस तरीके से इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, और ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने के बाद 1-2 दिन कंसोलिडेशन का फेस हुआ और ये ऊपर निकल गया, ठीक है। बट अब जो इसका एक रेसिस्टेंस लेवल का रेसिस्टेंस का जोन था उसको भी आज ये क्रॉस नहीं कर पाया, बट अगर ये क्रॉस कर देगा दोस्तों तो इट विल मूव टिल दिस लेवल डेफिनेटली। मतलब अगर अभी भी हम यहाँ से बात करें तो 1 रुपये 20 पैसा, यानी 15 रुपये 40 पैसे के स्टॉक पर 8% का मूवमेंट अभी भी आ सकता है। तो 8% बहुत कम, मतलब कम नहीं होता है किसी इतने से छोटे स्टॉक की वैल्यू में भी 8%, और अगर एक ही दिन में या 2 दिन में आ जावे तो वो कितनी बड़ी बात हो सकती है। तो इसको आपको वॉच करना पड़ेगा, और अगर ये इस तरीके से क्रॉस होकर चलता रहा तो फिर हम देखेंगे कि भाई जैसे यहाँ के लेवल्स आपने क्रॉस होते हुए देखे, वहाँ से फिर ये स्टॉक 22 रुपये तक भी गया, तो ये हो सकता है कि 18 रुपये के लेवल तो आपको आसानी से दिखा दे दोस्तों। तो इसको जरा सा आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से काम कर सकते हैं, और इसीलिए मैंने आपको बाटा और जेपी एसोसिएट्स जो आज के अच्छे खासे बेहतरीन स्टॉक की श्रेणी में आज के दिन क्लोज हुए हैं, जिनके वॉल्यूम्स भी अच्छे खासे, इस स्टॉक का वॉल्यूम्स 114 मिलियन से ना करीबन 1.5 करोड़ शेयर्स की बात करें, 114 मिलियन यानी कि करीबन 14 करोड़ शेयर होते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।
आप इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और अगर आप चाहें तो हमारे साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं और सहयोगी बन सकते हैं। धन्यवाद।